सोलो चवाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे जो वीडियो है ये रहने वाली है हमारी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे कर रहे हैं यूजी का कोर्स, ठीक है। और वो हमारे जो भी कॉलेजेस आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर, ठीक है। तो जो हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है इसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं ना, उन सभी बच्चों का ये रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो रहेगा हमारा ज्योग्राफी का, ठीक है। और कोड आप देख सकते हो यहाँ पे 1GEODE0502। टाइटल हमारा है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, आपको चाहिए होते हैं 32। टाइम होता है आपके पास 2.5 घंटे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो और भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको मिल जाएगा, वो PYQ जो भी हैं आपके सब्जेक्ट्स उसका आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर कोई और भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। तो आप सबको पता है हमारा पेपर जो है वो दो सेक्शन के अंदर डिवाइडेड होते हैं, तो बेसिकली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चा बाटी, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते, एकदम क्लियर एंड क्रिस्प 4K में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट 1 मैक्सिमम आपका जो है वो कवर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आप सबको पता है फर्स्ट यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और यहाँ पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो पहला कहते हैं कि व्हाट इज़ खादर क्या होता है, तो देखो आपने पढ़ा होगा खादर क्या होता है, भांगर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तराई बेल्ट क्या होती है, ये आप सबने पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये खादर, भांगर, खादर क्या होता है, न्यू एलुवियम जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, और भांगर क्या होता है, जो ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट्स होते हैं। एक तराई बेल्ट होती है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में भी। तो अरावलीज क्या होते हैं ये आपको पता है, जो अरावली हिल्स हैं हमारी। मानसून क्या होता है, ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ आल्सो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून इज़ जस्ट नथिंग बट इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है ना, तो उसका मानसून कहते हैं, ये आप सबको पता है। उसके बाद रेगुर सॉइल क्या होती है, ठीक है, और ये किसका नाम होता है रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल का। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ कि किसका होता है, ब्लैक सॉइल होती है कि कोई और होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है स्टेप माइग्रेशन क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और कब आया, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। 19 में कब आया था ये, ठीक है, तो ये आपके लिए होम टास्क। ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, लिटोरल फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और वाई द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर कोई भी डेल्टा क्यों नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ से नीचे जो है ना हमारे ग्रोथ से नीचे 2 मार्क्स के नीचे, तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यू सीरीज है, सॉरी, और वो थोड़ा क्या है, ज़्यादा एलिवेटेड है ना एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। इसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम रिवर्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करते हैं, और उस साइड तो एक ही दो रिवर जाते हैं हमारे, जो मेन है एक नर्मदा ताप्ती, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो भी जाके गुजरात से जो गल्फ ऑफ कम्बक्त होता है वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, वो एस्चुरीज बनाते हैं ना, और इसीलिए क्योंकि वो हाइट पे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट जो है वो स्लोप है, ऐसे स्लोप बनती है। इसी तरह से हमारी गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी जो सारे रिवर हैं ये सारे ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करते हैं, इसीलिए कोई भी डेल्टा नहीं बनता है। तो आप रीज़न बता सकते हो, ठीक है। और ये जो है हमारा ईस्टर्न घाट है ये डिसकंटिन्यूस पैचेस में है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि आपको पता है रिवर जो है कट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो सारे रिवर जाके उसमें गिर जाते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ट्रांस ह्यूमनेंस क्या होता है, तो आप सबको पता होगा जो सीजनल माइग्रेशंस होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जिनके पास जानवर्स होते हैं, कैटल्स होती हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर विंटर का सीज़न आ जाता है तो फिर वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे विंटर कम होती है, ठीक है। और जब इस रीज़न पे दोबारा समर आ जाता है तो ये फिर से रिटर्न बैक, दिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमनेंस, है ना, इसी एक्टिविटी को, प्रोसेस को। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है, ये आपके लिए टास्क आ गया, ठीक है, इसका आप देखोगे और मुझे बताओगे साथ में। फिर आ जाती है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी मैंने आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेकंड से आते हैं हमारे, थर्ड से आते हैं हमारे, फोर्थ से आते हैं हमारे, और फिफ्थ से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई ए करना होता है, आप सबको पता है। जैसे यहाँ पे देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, यानी प्राकृतिक, बिल्कुल प्राकृतिक, जिसका हम ह्यूमन का इंटरफेरेंस कोई नहीं होगा, और मैनिपुलेशन हमारी वहाँ पे कोई नहीं होगी, ठीक है, कोई रोल नहीं होगा, वो अपने दम पे उग रही है ऐसी कोई भी वेजिटेशन, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं ना। तो अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप,
तो आप सबने सुना होगा जो हमारा ये हमारा अगर है तो इक्वेटर के आसपास जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं है ना, ट्रॉपिकल बोलते हैं हम उनको, क्योंकि यहाँ पे दरअसल होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, आप सबको पता होगा 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है। दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पे, ये आप सबको बताओ। तो यहाँ पे बन जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन वहीं पे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारी कंडीशंस आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो जो सालिनिटी वाले रीजन में होते हैं, सलाइन में, ठीक है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ट्री है, दैट इज सुंदरी ट्री, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर आ गया कि ये ट्री होते हैं वहाँ पे, और मैनग्रोव वो होते हैं जो हमारे ऐसी जगह पे जो सलाइन वाटर में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इसके साथ चॉइस एंड अलूवियल सॉइल क्या होती है, आप सबको पता है, ठीक है, जो डिपोजिशन से बनती है, जो रिवर अपने साथ डिपोजिट लेके आता है, सेडिमेंट्स लेके आता है, उनको डिपॉजिट करता है, फिर हमारी एक सॉइल बनती है, दैट इज़ अलूवियल सॉइल, ठीक है। आपने देखा होगा इंडो जो हमारा गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो हमारे इंडो गैंगटिक प्लेन, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, इनहेबिटेड रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो अलूवियल सॉइल है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है ना। और इसके फॉर्मेशन और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है आपको, क्या क्या विशेषताएं गुण है इसके, कैसे बनती है ये, ठीक है। तो वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद इरोजन होता है, इरोजन के बाद क्या होती है, डिपोजिशन होती है ना आगे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। शॉर्ट नोट लिखना है आपको मैगनीज के ऊपर, ठीक है, 4 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, आप सबको पता है, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, हम कमर्शियल के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया ना, ये सारी हमारी क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं, रबर हो गया, ठीक है। तो जो भी क्रॉप हम सेल के लिए पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, दैट इज़ कैश क्रॉप्स, है ना। तो आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर कहता है व्हाट आर जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, तो वीट की प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ये तो आप सबको पता है कि जब इसकी सोइंग करते हैं हम, तो तब हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हीट होनी चाहिए, है ना, और क्लियर स्काई होना चाहिए, ये सारी कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे, और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर कहता है इसके साथ चॉइस, ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हरित क्रांति, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है ये। स्वामीनाथन इंडियन फादर हैं, आप सबको पता होगा, और वर्ल्ड के बर्लोंग हैं, नॉर्मन बर्लोंग। उसके बाद बी पार्ट आ जाएगा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो जो हमारा इंडियन यानी जो भारतीय हमारा जो कृषि का जो सिस्टम है, इसके अंदर एनिमल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 4, यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 4 से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कहता है कि एक्सप्लेन द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया और डिस्कस करो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो आप मुझे बताओगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी कितनी अर्बन पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये टास्क कैप के लिए, और अभी कितनी है प्रेजेंट 2011 सेंसस के हिसाब से, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, और 1951 में जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से कितना था, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। मैं हिंट दे देता हूँ, इनमें से आप बताओगे मुझे, ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ थी दोनों, ठीक है। अभी जो है वो इतने परसेंट जो है वो अर्बन पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी, ठीक है, 69% अभी भी हमारे रूलर में रहते हैं, 31% अभी है, और जब हमारा 1951 की बात है वहाँ पे 17% अर्बन पॉपुलेशन थी। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको बताने। फिर कहता है गिव एन ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू 2011। तो ये 4 मार्क्स का, उस हिसाब से आप स्टेट वाइज दे सकते हो, ठीक है। पहले डेफिनेशन दे दो कि डेंसिटी होती क्या है पॉपुलेशन की, है ना, और पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के में कितनी पॉपुलेशन जो है वो आती है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, और लोएस्ट जो थी आप सबको पता है किसकी थी, अरुणाचल प्रदेश की थी, है ना, 17% थे, या मुझे सारा बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से कर लो और आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये जो जियोग्राफी है ना इस बार 5th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। जैसे सेंसस 2011, तो ये बहुत आने वाला है, जब तक नया सेंसस नहीं हो जाता तब तक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और एक्सप्लेन इन डिटेल एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको बताने हैं। मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन के, ठीक है,
अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर इंटरनल माइग्रेशन हो तो क्या उसमें जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती है कि नहीं होती है? ठीक है, जब इंटरनल माइग्रेशन हो, आपने सबने सुना होगा एक इम माइग्रेशन होता है जब बाहर जाए कोई, है ना, और एक होता है इम माइग्रेशन। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट याद रखना, एक्सपोर्ट मीन्स बाहर जा रहा है, इम मतलब अंदर आ रहा है, ठीक है। और इंटरनल माइग्रेशन से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है, बल्कि हमारा ग्रोथ चेंज नहीं होती, ठीक है। पॉपुलेशन तो उतनी ही रहेगी ना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है। जैसे पहले गाँव में 70% लोग थे, अब यहाँ से चले गए शहर में, तो ये क्या होगी इंटरनल माइग्रेशन। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल 30% लोग चले गए, तो 40% यहाँ रह गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जो रेट है वो चेंज नहीं हो सकता। यूनिट नंबर फिफ्थ लास्ट आ जाएगा, और यहाँ पे देखो कहता है हमसे कि आपको एक्सप्लेन करना है वाई द प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया जो है वो स्टिल बेस्ड है रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये आपको बताना है कि जो इंडिया मेन मेन जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी इंडिया में, वो आज तक क्यों रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है एग्रीकल्चर से उसी पे डिपेंड है ना। तो ये आपको बताना है, एंड व्हाट डू यू, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल रिसोर्सेस है ना वो बहुत कम है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल तो हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम उनको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, या उनका निकाल सकें उनको हम। जैसे आपने देखा होगा यूरेनियम लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हमें पता है वहाँ पे है, लेकिन अभी तक हमने उसको निकाला नहीं और निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उस टाइप की अभी कुछ कंडीशंस नहीं है ना, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आप सबको पता होगा, आप गूगल पे भी करोगे इसको, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता है, ठीक है, और पोटेंशियल होते हैं कि जिनके बारे में हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा उसके डिपॉजिट्स हैं, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे हैं, लेकिन कितना है ये हमें पता नहीं है। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू मीन बाई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। इसके साथ चॉइस कहता है कि डिस्कस इन डिटेल, डिटेल के अंदर आपको डिस्कस करना है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, और जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, ठीक है, जिसमें आपने LPG पढ़ा होगा, ठीक है, वो कब आई थी, 1991 में। आप सबको बताओ 1991 में ही आई थी ना, आप रेक्टिफाई करोगे इसको। राइट ए नोट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपको लिखनी है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आपके डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, और आप जो है वो इसको वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डिस्कस इसलिए कर दिया क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से देख सीखने को मिले ही होंगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉपुलेशन वाला, ठीक है, इसके जो भी फैक्ट हैं वो अच्छे से पढ़ के जाना है आपने। आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, नेचुरल बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, एनुअल बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सॉरी, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट नहीं, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है वो था, नेचुरल ग्रोथ रेट होता है डिफरेंस कितना है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, ठीक है, ये आपको पता होगा, तो वो नेचुरल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ कंप्लीट। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन इंडियन जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, नॉर्मन बर्लॉन्ग जो थे वर्ल्ड के थे, ये आपको पता होना चाहिए ना। दो आए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1 आया, फिर सेकेंड आया, तो पहले वाले में कितना किस पे ज़्यादा फोकस था, सेकेंड पे किसके ज़्यादा फोकस था, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जो आपने आपको याद होंगी वो फिर से रिवाइज हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ये 1966 के आसपास आया था, ठीक है, और ग्रोथ तो आपको पता है, ठीक है, क्या होती है, रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है। और ये जो हमारी ब्लैक सॉइल है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट जो हमारा प्लेट्यू है, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है ज़्यादा। खादर बांगर क्या होता है, ट्राई बेल्ट क्या होती है, आप सबको पता है। सो दैट्स ऑल, और बाकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।